काम में जो काम को करना पढ़े लिखे भगवान पानी से आएगा नहीं, आपको 100 घंटे का काम देंगे और 100 घंटे काम के बदले आपकी जेब खर्ची जो पोस्ट बजट के उनको 9,000 का महीना, जो ग्रेजुएट है उनको 7,500 का महीना, ये हमने देना शुरू किया। 60,000 ग्रामों में इस योजना का लाभ उठाया और हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये काम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि संख्या कम पड़ती है, हमने कहा जो फर्स्ट रूम में लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जो अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी 3 साल की योजना खोल देंगे, प्लस टू वाले के आओ उनको भी 1 लाख रुपए उनको भी दे देंगे। आपका कुछ समस्याएं परिवारों में थी कि उनके राशन कार्ड में पीला राशन कार्ड नहीं है, उसको लालच होता है। हमने कहा लालची लोग नहीं, जो वास्तव में गरीब है वो फार्म भरो, उनके फार्म भरे गए हैं और जुलाई के पहले सप्ताह में 1 लाख से ऊपर लगभग 1,30,000 नए राशन कार्ड जिस जुलाई के पहले सप्ताह में खोले गया है, बांट रहे मित्रों परिवारों को जिनके पीले कार्ड नहीं, उनको ये लाभ मिलेगा। हर गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला काम हमारी ये मान्यता है, हमारी मान्यता है कि लोगों की तरह सत्ता का लाभ उठा के घर बढ़ने का नहीं, हमारा है चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा, अंधेरे वाली जगह को ढूंढते हैं वहां दीपक जलाने का काम, उनको रोशनी करने का काम, गरीब परिवार के घर के अंदर रोशनी होगी दुआएं देगा और उसको मुख्य धारा में आने का मौका भी मिलेगा। तो जो बहुत काम बनाए जा सकते हैं, हमने 2 साल तक पेंशन भी बुजुर्गों की थी, हरियाणा पहला प्रांत है और हमने जितने सरकारी लाभ है पहले तो जाकर के काउंटर से लेने पड़ते थे, हमने कहा नहीं भर्ती भरो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य के अंतर्गत सीधा बैंक खाते में भुगतान, और ये भी आपकी जानकारी के लिए इन 4.5 सालों में 90 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया, लगभग 9,000 करोड़ रुपए और इसमें से भी बहुत लाभ हुए, पर ना कोई भी साइन करके किसी के भी पैसे निकाल लेता था। हमने कहा नहीं यार मनरेगा का पैसा भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा मनरेगा का काम का सर्टिफिकेट जाते ही वो जो मजदूर है उसके खाते में पहुंचेगा, बीच में बिचौलिए नहीं रहेंगे, बिचौलिए दलाल ये संस्कृति खत्म होती है। वो जो चिट्टे कपड़े पहन करके घूमते रहते थे ना अपना दबाव प्रभाव लाने के लिए, उनके सबके चिट्टे कुर्ते ये हमने कोटियों पर बनवा दिए हैं, सब रोजगार हो गए। हमने कहा काम हो दबा तो काम दे और काम ना करने के लिए हाथ पर चलाओ कुछ बुद्धि या तो उसको लगाओ, लेकिन ये तमाशे मत करो, जनता को झूठने का काम मत करो और उसमें से राष्ट्र में निकाले। मित्रों भाई बहनों हम बात करें किसानों की, तो उनके लिए फसल की जो एमएसपी है जो केंद्र सरकार को 2 चीजें खरीदती है धान और गेहूं, बाकी सब खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। हमने इस राज्य का बाजरे का एक दाना खरीदा, हमने अभी सरसों का एक दाना खरीदा, कोई चोरी नहीं है, गेहूं की खरीद जितना हरियाणा प्रदेश के किसान लाभ करते थे सब लिया, बाद में तो ये मंडियां ऐसी हैं पलवल होटल मेरी मथुरा से जो गेहूं आता है, आसपास से जो गेहूं आता है वो भी हमने उसके भी रास्ते खोले, आप भी ले आओ हमारी मंडियों की व्यवस्था अच्छी है, मंडियों में वो भी काम करते हैं, हमारे मंडी के यात्री वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, इसलिए हम उनके भी सहयोग का आभार ये प्रयोग करते हैं। बिजली पानी ये 3 मुख्य समस्याएं, इन समस्याओं को हमने पिछले 4 साल में बहुत बड़ी मात्रा में हल किया है। बिजली के रेट पहली बार हमने आधे किए हैं, 4.5 रुपए से 2.5 रुपए यूनिट ये गरीब परिवार के लिए दिया, कभी किसी सरकार ने किया नहीं किया, और बिजली भी अब 3600 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं जो आज की सरकार ने किसी ने कभी नहीं दिया, बल्कि गांव में लोग तो कुछ कहते हैं कि थोड़ी बिजली कम कर दो कटौती कर सकते, क्यों फसल के दिनों में तो बहाना था भी फसल में 60% से आग मिल जाती है, हमने कम कर दिया, दिन में ना दो रात को दे दो, अब वो कहते हैं कि हमारे तो बिजली का बिल क्या आएगा, बिल हम भरना चाहते हैं, हम तो बच्चों को सिखाओ घर में परिवार में जो लोग हैं उनको कहो खाली बल्ब मत जलाओ तो जरूर था मत जलाओ, दिन में पंखा तभी जलाओ जब घर में बैठे हैं, एसी का उपयोग करो, पानी के जो पंप चले रहते हैं 24 घंटे 12 घंटे
यानी जो हम लगाते हैं बोर करते हैं उसमें गलियों में पानी बहता रहता है उसको बंद करो, बच्चों को भी टीवी उतना ही समय देखने को जितना समय उनको जरूरी है, तो इसके उपयोग की कटौती घर में परिवार के सदस्यों को प्रस्ताव देकर करो। बिजली 24 घंटे जरूर देंगे, कभी किसी समय बच्चे को जरूरत है, किसी समय महिला को जरूरत है, किसी समय बुजुर्ग को जरूरत है, किसी समय किसान को जरूरत है, सरकारी सबको जरूरत है। बिजली एक आवश्यक चीज हो गई अपने जीवन की, इसलिए 24 घंटे बिजली देने का काम जो पूरे हरियाणा में करने वाले हैं। अब बात करें किसानों की, तो उनके लिए फसल की जो एमएसपी है, जो केंद्र सरकार को दो चीजें खरीदती है, धान और गेहूं, बाकी सब खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। हमने इस राज्य का बाजरे का एक दाना खरीदा, हमने अभी सरसों का एक दाना खरीदा, कोई चोरी नहीं है। गेहूं की खरीद जितना हरियाणा प्रदेश के किसान मार करते थे सब लिया, बाद में तो ये मंडियां ऐसी हैं पलवल होटल में मथुरा से जो गेहूं आता है, आसपास से जो गेहूं आता है वो भी हमने उसके भी रास्ते खोले। आप भी ले आओ, हमारी मंडियों की व्यवस्था अच्छी है, मंडियों में वो भी काम करते हैं, हमारे मंडी के आदमी वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, इसलिए हम उनके भी सहयोग का आधार ये प्रयोग करते हैं। बिजली पानी ये तीन मुख्य होती समस्या है, इन समस्याओं को हमने पिछले 4 साल में बहुत बड़ी मात्रा में हल किया है। बिजली के रेट पहली बार हमने आधे किए हैं, 4.5 रुपए से 2.5 रुपए योजना दिए गरीब परिवार के लिए दिया, कभी किसी सरकार ने किया नहीं किया। और बिजली भी अब 3600 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो आज की सरकार में किसी ने कभी नहीं दिया, बल्कि गाँव में लोग तो कहते हैं कि थोड़ी बिजली कम कर दो, कटौती कर सकते, क्यों फसल के दिनों में तो बहाना था भी, फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, हमने कम कर दिया, दिन में ना दो रात को दे दो। अब वो कहते हैं कि हमारे तो बिजली का बिल क्या आएगा, दिन हम भरना चाहते हैं, हम तो बच्चों को सिखाओ, घर में परिवार में जो लोग हैं उनको कहो खाली बर्फ मत जलाओ, तो जरूर धर्म जलाओ, दिन में पंखा तभी जलाओ जब घर में बैठे हैं, एसी का उपयोग करो, पानी के जो पंप चले रहते हैं 24 घंटे 12 घंटे, यानी जो हम लगाते हैं बोर करते हैं उसमें गलियों में पानी बहता रहता है उसको बंद करो, बच्चों को भी टीवी उतना ही समय देखने को जितना समय उनको जरूरी है, तो इसके उपयोग की कटौती घर में परिवार के सदस्यों को प्रस्ताव देकर करो। बिजली 24 घंटे जरूर देंगे, कभी किसी समय बच्चे को जरूरत है, किसी समय महिला को जरूरत है, किसी समय बुजुर्ग को जरूरत है, किसी समय किसान को जरूरत है, सरकारी सबको जरूरत है। बिजली एक आवश्यक चीज हो गई अपने जीवन की, इसलिए 24 घंटे बिजली देने का काम जो पूरे हरियाणा में करने वाले हैं। गांव में ग्राम सचिवालय, शहरों में अमृत योजना, फिर उसके बाद सैनिकों की बात, खिलाड़ियों की बात, व्यापारियों की बात, ये सब विषय हमने दर्ज किए कि किसी वर्ग को तकलीफ ना हो। व्यापारी बजाय ये जो मंथलियां और वीकली इकट्ठे करने वाले लोग थे या फोन आ जाते थे, फिरौती को ये करो वो करो, इन चीजों से निजात काफी मिली है। अभी भी कहीं से इतना छोटा घटनाएं हो जाती है, लेकिन उन घटनाओं को हल करने के लिए हमने अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि जितना जल्दी इनको पकड़ करके जेल के अंदर डालोगे, इनको सजा दिलाओगे, समाज का विश्वास बढ़ेगा। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि जितने बड़े बड़े बदमाश जितने यहां बने हुए थे, गैंग बने हुए थे, उनका पाया पाया हरियाणा में सफाया हो गया है, 2-3 गैंग बाकी बचे हैं, मैं उनको भी कहता हूं या तो अपराध करना छोड़ दो, और या फिर प्रदेश छोड़ दो, और दोनों में तो हम नहीं छोड़ेंगे, सुरक्षा हमारी महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक तो बिजली सड़क पानी की बात हम करते थे, अब अगले चरण में सुरक्षा ये पहला विषय, शिक्षा ये दूसरा विषय, स्वास्थ्य ये तीसरा विषय, 3 विषय ऐसे जिसके ऊपर फोकस रहेगा, सुरक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा। और इसको मैं कहता हूं SSE C-Sector, सी में महिलाओं की सुरक्षा का प्रयाम आ जाती है, SSE Security, SSE Health, E-Education। इस प्रकार से अगले कार्यकाल का हमारा जो फोकस रहेगा उन बातों पर रहेगा, जीवन को कैसे सुखी करना। हमारे ऊपर सारे लोग मार कहते हैं कि आप बड़े प्रोजेक्ट कौन से लाए, मैंने कभी हमको आम खाने के गुठलियां मिली, हमको आम खाने,
हमें रोजगार देना लोगों को, हमको प्रदेश की आर्थिक स्थिति बढ़ानी है, लोगों का पर कैपिटा इनकम वो बढ़ाना है, लोगों को जीवन जीने की शैली वो आसान करनी है, लोगों को सरकार की सुविधाएं योजना सेवाएं ये आसानी से मिले, सरकार आपके द्वार की जवाब दे जाती है, घर में सरकार पहुंच गई है, ये एक बार आभास हो तो जनता निश्चित रूप से सुखी होगी, ऐसा मेरा मानना है।